हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो से बनने वाली पोटैटो स्माइली। तो हम इसे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनाए हैं और आप लोग भी अपने घरों में बनाइए और बताइए कैसा बनाए कमेंट में। और हमारे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना रेसिपी बनाना। हम दो आलू ले लिए हैं, अब इसे हम कट कर लेंगे। इसे छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे ताकि ये बहुत जल्दी हमारा आलू बॉईल हो जाएगा। देखिए हम जैसे कट कर रहे हैं वैसे ही छोटे छोटे पीसों में आप भी कट। हमने सारे आलू को कट कर लिया है, अब हम एक बॉल में इसे ले लेंगे। अब हम अपने आलू को 2 से 3 मिनट तक बॉईल कर लेंगे, गैस जला लेंगे। गैस जलाकर बॉईल करने के लिए रख देंगे, ढक्कन लगाकर इसे बॉईल होने देते हैं। हमारा आलू बॉईल हो चुका है, अब हम इसे एक फॉक की मदद से मैश कर लेंगे। चाहे तो मैशर से मैश कर लीजिए या फिर फॉक से ही मैश कर लीजिए। इसे अच्छी तरह हम मैश कर देखिए, हम अपने आलू को मैश कर लिए और कितना स्मूथ हुआ है, ये बहुत ही स्मूथ होता है। तो चलिए अब इसमें हम इसमें अपना हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे 2 चम्मच के अकॉर्डिंग और कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इन सब को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, चिली फ्लेक्स हल्का सा एकदम, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारा डो रेडी हो चुका है, अब इसे हम बेल लेते हैं। हम अपने डो को बेल लेते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा मैदा चाहिए। इसे अच्छी तरह ऐसे, बहुत पतला नहीं, इसे हल्का हल्का हाथ से ये बहुत पतला नहीं चाहिए हमें, बस हल्का ही चाहिए। देखिए ऐसा ही चाहिए, हमारा डो अच्छा से बेल चुका है। हम एक कटर की मदद से इसे कट कर लेंगे। देखिए हम इस कटर की मदद से कट कर ले रहे हैं ऐसे ही। देखिए हमने गोल गोल सर्कल में इसे कट कर लिया है। अब हम इसमें देखिए ऐसे ही स्माइली बना लेंगे। हम एक टूथपिक के मदद से बनाए हैं, ऐसे ही करके हम इसमें 2 होल्स करेंगे। दो होल्स करने के बाद अपना स्माइली बना लिए हैं। अब चलिए ऐसे ही सारे स्माइली बनाकर और फ्राई कर। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हमने तेल ऐड कर दिया और तेल गर्म हो रही है। तो तेल गर्म हो जाएगा तो हम अपना ये स्माइली बनी हुई इसमें डालकर फ्राई करेंगे। हमारी तेल गर्म हो चुकी है, अब हम अपनी इन सारी स्माइली को इसमें डालकर एक एक डालकर फ्राई कर लेंगे। हमारी आँच मीडियम टू स्लो रहेगा। देखिए हम जैसे डाल रहे हैं वैसे ही आप लोग डालकर इसे फ्राई कीजिए और अपने घरों में खाइए। और बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट ये स्माइली है। हमारे घर में जब भी बच्चों की गुस्सा हाइपर होता है तो हम यही बना कर देते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। तो देख इस साइड से पक चुका है, हम दूसरे साइड से भी इसे फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में फ्राई हो जाएगा। 2 मिनट में फ्राई कर लें, ज़्यादा देर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा फ्राई हो चुका है स्नैक्स, तो हम इसे अब बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे बाहर निकाल लिए हैं। चलिए अब इसे प्लेटिंग करते हैं। हमारी स्माइली बनकर रेडी हो चुकी है, शाम की नाश्ते में खाने वाली डिश। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी हुई है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही डिलीशियस। मेयोनीज के साथ या टमाटो केचप के साथ आप दोनों के साथ ही खाएं और खाकर बताएं कि कैसा बना है। तो आप बताइए हमारा रेसिपी कैसा बना है कमेंट में, और अगर रेसिपी हमारा अच्छा बना हो तो हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये बच्चों को खाने वाली बहुत ही डिलीशियस
और बहुत ही बनने वाली झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो आप भी ट्राई करें और खाएं।